सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज कुछ वैसे दिखा रहे हैं आपको बिक्री वाली, तो गांव पूछेंगे भाई से और डिटेल से जानकारी लेंगे सभी भैंसों के बारे में। हिसार ज़िले से ये वीडियो लेके आ रहे हैं, बहुत सारी भैंसे इस एरिए से बिक रही हैं। आजकल गाड़ियों का लोड भी हो रहा है और कुछ भैंसों का मेरे ख्याल से दूध भी निकल चुका है लगभग। देखिए ये भैंस खाली है, बांधो भाई इसके बच्चे को, तो पूछेंगे सारे भैंसों के बारे में। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब कौन सा गांव है? शीशवाड़। शीशवाड़ गांव है। शीशवाड़ गांव है, तहसील कौन सी है? तहसील आदमपुर है। तहसील आदमपुर से कितने किलोमीटर है? आदमपुर यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आदमपुर है और ये इधर मिंगणी खेड़ा और ये गाँव कितने किलोमीटर है? यहाँ से 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर मिंगणी खेड़ा और 10 किलोमीटर आदमपुर, इनके बीच में पड़ता है गाँव अपना। तो भाई नाम क्या है भाई साहब अपना? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप, संदीप भाई कितने दिनों से बेच रहे हो पशु? 5-6 साल से बेच रहे हैं। 5-6 साल से। तो बाहर की भी गाड़ियां गुड़िया भरते हो या लोकल में ही बेचते हो? बाहर की सारी गाड़ियां, सारी जगह की। तो किधर से दिखाना शुरू करोगे? यहां से स्टार्ट। इसका ये बच्चा दूध पी रहा था, ये क्या पोजिशन है बताओ? ये जी दूसरी बार यही है सर। खोल ले, अभी दूध है इसमें 9-10 किलो। दूसरी बार की ब्याई 9-10 किलो दूध बेच दी? हाँ अभी बेची है जी। कितने की बेची है भाई साहब? 65,000 की बेची है 9-10 किलो दूध मीनी। और दूसरे ब्याह की बताई ना भाई? दूसरे ब्याह खारकी में 11 किलो दूध था भाई। खारकी में 11 किलो कितना दे देगी? 13-14 आराम से देगी। 13-14 कितने की दी है ये? 65,000 रुपए की दी है। 65,000 की। वैसे अपने पास रूटीन में किस रेट की वैसे मिलती हैं भाई साहब? सारे रेट की मिलती है जी, लाख की, 90 की, 80 की, 60 की, 50 की, जितनी जो ग्राहक पर डिपेंड है। 50,000 से लेके लाख रुपए तक के हैं? 1,10,000, 20,000। ठीक है, 50,000 से 1,20,000 के बीच में वैसे मिलती हैं। ये वाली बताओ जी। ये भाई साहब तीसरे ब्याही है, सुबह ही खाली करी है, अभी 9 किलो दूध है इसमें। अच्छा सुबह खाली की है, कितने दिन? आज 2 दिन की है, 3 दिन की है, 4 दिन की ब्याही है सर। खोलो भाई, 3 दिन की ब्याही में 9 किलो दूध खीस से खाली होती, कितना दूध दे देगी? पूरे दूध पे आएगी 14-15। ये कितने की बेचनी है? ये भाई साहब 70,000 की देनी है। 70,000 की देनी है, 14-15 लीटर दूध दे देगी। देखिए भाई साहब का कहना है इशार, ये बच्चा जी परसों की ब्याही है, ये वाला बैठा है जो परसों शाम को ब्याही थी, 5 बजे परसों शाम को। ठीक है, कितने कीमत बताई इसकी? 70,000 रुपये। ठीक है, 70,000 रुपये की बेचनी है। देखिए सींग ज़्यादा सुंदर नहीं है भैंस का, वैसे बहुत सारे भाइयों की डिमांड होती है इस तरह की भैंसों की, NCR वगैरह के, गुड़गांव फरीदाबाद में। हाँ ये बताओ। ये पहली बार ब्याही सर, कल सुबह की ब्याही है, सुबह ही खाली करी आज। ठीक है, तो ये दे देगी 10 किलो दूध? आराम से देगी, अभी 8 किलो दूध इसमें खाली करते वक्त। अच्छा 8 किलो दूध है, तो ये कितने की बेचनी है? ये सर 75,000 रुपये की देनी है। 75,000 रुपये की बेचनी है। देखिए ये भी वजनदार भैंस है, जोटी है, पहले ब्यांत की, पहले ब्यांत की, एक सिंग की थोड़ी खुलची भी उतरी हुई है और दूध अभी निकल चुका है? अभी दूध निकल चुका है भाई, अभी इसका। अच्छा कोई ग्राहक आया क्या दिन में? दिन में आया था एक भाई, शाम को 2 भैंस इकट्ठी लेगा, एक भैंस आने वाली है उसकी गाड़ी में। अच्छा 2 भैंसों की बात हो, तो शायद ये भी चली जाएगी। ये सोनीपत का भाई है। हाँ हाँ, 75,000 रुपये इसकी कीमत है, या 75 की बेच रखी है? 75 की दे, 1,000 छूट करिए भाई साहब। ठीक है ठीक है, ये वाली भाई? ये भाई साहब तीसरा ब्याही है। हाँ हाँ, 5-6 दिन की ब्याही होगी, अभी दूध है इसमें 8 किलो। तीसरी बार की है, 8 किलो दूध है, और कितने की बेचनी है जी? ये भाई साहब 65,000 रुपये की देनी है। तीसरे दिन की ब्याई 8 किलो दूध 65,000 रुपये की बेचनी है। ये देखिए बहुत सारे भाइयों की डिमांड होती है, 60-65-70 13-14 किलो दूध देगी आराम से। अच्छा 60-65 हज़ार की, 70-75-80 हज़ार रुपये तक की ग्राहक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप संदीप भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनके जो मोबाइल नंबर हैं वो वीडियो में चल रहे हैं, और कोई ये नहीं है कि तेल वगैरह भैंसों को चौपड़ रखा है, लगा रखा है या टाइम लगा रखा है। भाई साहब अभी दूध निकले है, दूसरी बार भी आई है, निकल चुका है दूध। खारकी में 16-17 किलो दूध दे रखे है, इनाम में लगी हुई है। ठीक है, HLPDA में पास हुई है, देखो काम की टेक भी लगी हुई है, ये देखो। ठीक है ठीक है, तो ये कितने की बेची है जी? ये भाई साहब 1,15,000 रुपये की दे ही है। तो कितना दूध दे देगी ये? ये दूध दे देगी 17-18 किलो आराम से देगी। 17-18 किलो दूध दे देगी। देखिए दूसरे ब्यांत की जोटी बहुत ही बढ़िया भाई साहब, नहीं तो मैंने सोचा अरे भाई पता नहीं लगे पहले।
हाँ बेच दिया ये, ठीक है। इस तरह के पशुधन भी मिल जाएंगे लगातार अपने पास। तो और आगे बड़ी भाई, ये भाई साहब आज सुबह बच्चा दिया, ठीक है, खीस में ही है, खीस में ही, सुबह भी दोपहर में 2-3 किलो दूध निकाला था। कौन से ब्यांत की है ये भाई साहब? चौथे ब्यांत की है। चौथे ब्यांत की है, कितना दूध निकाल सकती है भाई? पिछली बार 15 किलो दूध था इसमें सर। 15 किलो, तो कितने की बेचनी है अभी भाई साहब? 75,000 रुपए। 15 किलो दूध पिछले साल था, 75,000 रुपए की बेचनी है। देखिए सींग ज्यादा सुंदर नहीं है, भैंस है। 15-16 किलो आराम से दूध दे देगी भाई साहब। दूध की सुबह की ब्याई आज की, ठीक है, नीचे कटड़ी है भाई साहब, साथ में कटड़ी, 75,000 रुपए कीमत रखी है भाई साहब ने। देखिए ये इधर ये बच्चा था ना, हाँ ये कटड़ी है नीचे, ठीक है, बड़ी है कटड़ी तो काफी है। सुबह की ब्याई आ गई, ठीक है, कोई नहीं बैठे रहने दो। सींग ज्यादा सुंदर नहीं है भैंस का, वैसे हम बात करें कि कीमत की, वो बहुत ही रीजनेबल। जोशीले अड्डर वाली अभी खीस में है, खीस से खाली होके और बढ़िया आइडिया होगा। ये देखिए कटड़ी, काफी बड़ी कटड़ी है ये भैंस भाई। तीसरा ब्याह होगी, 3 दिन से बाकी है इसके ब्याहने के। हाँ, तीसरी बार ही बच्चा देगी, 3 ही दिन बाकी हैं। तो ये कितने की बेचनी है भाई? 14 किलो दूध था ये भाई साहब, 80,000 रुपए की देनी है। 80,000 की, 14 किलो दूध पिछले साल था है, ठीक है, 80,000 रुपए की बेचनी है। 14 किलो दूध भाई साहब बता रहे हैं पिछली बार था, और तीसरी बार बच्चा देगी, खुले सींग की है, दूध दूध बेचने के हिसाब की। ये देखिए, ये हम देख चुके हैं लगभग 6-7 वैसे, 8वीं एक और खुले सींग की है ये ब्याएगी भाई साहब, ठीक है, पड़े ब्याने के लार लगड़े 20 किलो दूध था, पूरा 20 किलो दूध दे रखे। 7 दिन बाकी हैं, कौन सी बार बच्चा देगी? ये चौथी बार बच्चा देगी भाई साहब, चौथी बार। 20 किलो दूध पिछले साल आपका देखा हुआ है? आराम से अपने गांव की भैंस थी, पिछली बार निवास में लगी हुई है, सींग पे नंबर कुदरे इसके, देख लो आप। अच्छा, तो ये कितने की बेचनी है? ये भाई साहब 85,000 रुपए की देनी, पूरा पट 20 किलो दूध दे रखे। 20 किलो दे रखा है, लेकिन लोग विश्वास तो नहीं करेंगे कि 85,000 में 20 किलो। आप लेवेगा उसके पास रिकॉर्ड भेज दूंगा मैं, जो भाई भैंस लेने का इच्छुक है उसके पास मैं रिकॉर्ड भेज दूंगा वास्तव में, ठीक है, ठीक है। कोई झूठ का काम नहीं भाई साहब, एक रूप कोई बोलते है झूठ, हम झूठ नहीं बोलते बिल्कुल भी, ठीक है, काम अपना सच्चाई का, 4 टाइम दूध काट के लेओ। ये भैंस इतने दूध पे दूध तुलवा के भी दे देंगे? हाँ, तुलवा के दे सकते है भाई साहब, कोई लेना चाहता है। सही बात है जी। तो ये देखिए थोड़ी बड़ी भैंस है, इसलिए भी कीमत कम हो सकती है। जानबूझ करके मैंने भाई से पूछी ये बात कि जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनको ये रहे, ये ना लगे कि कोई मैं उसमें कोई फिक्सिंग कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात है। जैसी भी बात होती है वीडियो में सामने आप भाइयों के आगे होती है। ये देखिए टैग नंबर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, और 20 किलो दूध पिछले साल दिया हुआ है भैंस का, ये कहना है भाई साहब का। ये भैंस लंडी भैंस है, ब्याने के 2-3 दिन बाकी है इसकी, ठीक है। ये कितने दूध वाली है जी? इसमें दूध था पिछली बार 16 किलो दूध था पूरा, 16 किलो। ये कितने की बेचनी है भाई साहब? 75,000 रुपए की देनी है, ब्याने के 2-3 दिन बाकी पड़े, ऊपर भी ले सकती है दिन तो, ठीक है, 75,000 की बेचनी है। भैंस दूध से लांडी है और भैंस दूध की अच्छी है, वजनदार है, फुल लोड है भैंस में, ऐसा नहीं है कि कमजोर भैंस है, और 75,000 की बेचनी है। गाय भी बेचते हो जी? हाँ, गाय का भी काम है जी बाहर का अपना। अच्छा, वो भी बाहर भी बेचते हो? गाय बेचती, कल भाई एक आया था सोनीपत का, 4 गाय ले गया था भाई साहब। अच्छा, ये कितने दूध वाली है? ये भाई साहब 14-15 किलो दूध है इसका, सुबह आज बच्चा मर गया था सर। अच्छा, 14-15 तैयार है दूध अभी? तैयार है 14-15 लीटर दूध। तो ये कितने की बेचनी है? ये भाई साहब 30,000 रुपए की देनी है, ठीक है, 30,000 की। एक थन पे दूध भी? एक थन सुबह बच्चा बन रहा था, दूसरा ये कटड़ा पी गया इसका, ठीक है, कुछ नहीं कहती? हाँ, ये आराम से दूसरे भी बच्चे चूंगे, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। दूध दाद की तो इनको निकालने की कोई समस्या नहीं रहती मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं है, चाट गेड़ो बगैर गेड़ो कैसे काट दी, ठीक है, ठीक है। 30,000 की बताई ना, 14 किलो दूध, 14 किलो भी तैयार है, ठीक है। और ये वाली? ये भाई साहब ब्याएगी, बच्चा देने में पड़े है इसका टाइम, अच्छा, 5 दिन बाकी है ब्याने के, सही वाला गाय है, ठीक है। ये कितने की बेचनी है? ये कितने की बेचनी है? ये भाई साहब 30,000 रुपए की दे देंगे। 30,000 रुपए की, तो ये देखिए 30,000 रुपए की गाय 15 किलो दूध दे देगी, आराम से दे देगी, एक हफ्ता पड़े ब्याने का, 7 दिन बाकी हैं। 30,000 रुपए भाई ने कीमत रखी है। थोड़ा सा कैमरे को देख के शुरू शुरू में गाय जो है वो हड़बड़ा सी रही थी,
तो ये जो भैंसें हैं सीसवाड़ गांव में खड़ी हैं संदीप भाई के पास, कुछ बिक्री वाली हैं कुछ बिकी हुई हैं। संदीप भाई मोबाइल नंबर क्या देना चाहोगे? मोबाइल नंबर है जी 7744। हाँ हाँ 44032। 7744 44032। हाँ एक दूसरा नंबर भी है बताओ 82228। हाँ हाँ 46088। हाँ ठीक है। सीसवाड़ गांव से ये वीडियो लेके आए, आदमपुर से लगभग 10 किलोमीटर, और मिंगणीखेड़ा हिसार से, मिंगणीखेड़ा से 5 और हिसार से लगभग 15-17 किलोमीटर पड़ेगा। तो आप भाई जो भैंस लेना चाहते हैं बिल्कुल कम कीमत की, 50,000 से भाई ने कहा कि भैंसे ये बेचना जो शुरुआती रेट है भैंसों का वो 50,000 रुपये है, उससे मिलनी आपको शुरू हो जाएंगी। तो बहुत सारे भाई कम रेट की भैंसे लेना पसंद करते हैं। कोई भाई बाहर का भी भैंस लेना चाहता है तो बाहर का भी लोड करते हैं, बाहर का ठीक है, सारी जगह भैंस आती है हमारी। ठीक है ठीक है, महाराष्ट्र का कोल्हापुर का कहीं का भी ले हो। ठीक है जी, ठीक है भाई। सभी भाई जो भी लास्ट तक बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी तरफ से नमस्कार।